सो हाई एवरी वन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जल्दी जल्दी अभी मैं बता देती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 11 के मेले ग्राउंड में। वहाँ पे मेला लग रखा है और वहाँ पे ना मेन चीज़ ये है कि फर्स्ट टाइम कोई किसी भी मेले में, जहाँ तक मैं देखती हूँ, मतलब हर मेला नॉर्मल रहता है, बट वहाँ पे अंडर वाटर एक्वेरियम है, तो वो चीज़ मेनली हम लोग विजिट करने जा रहे हैं। और जो भी टिकट्स होंगी, सारी चीज़ें जो जो भी होंगी, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और नितीश, हम सबके सब जा रहे हैं, कजन्स और मम्मी और मौसी लोग भी, तो वहीं जाके मिलते हैं। बाकी जो भी होगा सब बताऊंगी आपको, डिटेल वीडियो होने वाली है थोड़ी बहुत, जो भी होगी सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगी। बाकी अभी हम जा रहे हैं और दादी यहीं, दादी टाटा बोल दे, टाटा। चलो भाई मैं चलती हूँ, बाय बाय। तो भाई हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, मौसी लोग हमेशा की तरह लेट, और ये रहा अंडर वाटर एक्वेरियम। तो आप टिकट्स देख सकते हो, मंडे टू फ्राइडे 100 है और सैटरडे संडे 150। अभी हम टिकट्स ले रहे हैं और जल्दी हम अंदर जाएंगे। इन लोगों ने दो दो काउंटर बना रखे, किसको ऑनलाइन पे करना है वो यहाँ पे और कैश से वहाँ पे। इस ईयर भी टिकट ये ले, बना ले अब वीडियो। चलो 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 आगे बढ़ो। मम्मी बोल रही है पता नहीं क्यों कर रखा है इनको यहाँ बंद। वाओ, भाई आप लोग कमेंट में बताना ये वाली कौन सी फिश है। अभी हम लोग यहाँ पे मौसी सबका वेट कर रहे हैं और हम लोग लगता है हमने सोचा अंडर वाटर एक्वेरियम घूम लेते हैं। यार मेरे को ना वीडियो में तो अलग दिखा था, और यहाँ पे तो इसे सेपरेट एक्वेरियम टाइप के डिवाइडेड हो रखे हैं, और सॉरी डिवाइडेड हो रखे हैं, और फिर सबके अंदर लाइक फिशेस रख रखी है इन लोगों ने। रील्स में देखते हो ना कितनी ज्यादा लाइक खुला खुला स्पेस होगा, इजीली जाओगे यहाँ रील बनाओगे, पर यहाँ देखो भाई भीड़ बहुत ज्यादा होती है। ये वैसे भी वीक डेज जब चल रहे हैं तब इतना रश है यहाँ पे। बहुत ज्यादा भीड़ थी, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, रील्स में जो देखते हैं वो रियल नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा रश था। बाकी अभी देखो हम लोग मिलके अंदर आ गए, लग चुके हैं। मैं आज आप लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ जो है ज़ूक ब्रांड से मैंने परचेज किया है, ये बैग, टोट बैग। तो बेसिकली अगर किसी को भी नहीं पता ज़ूक ब्रांड क्या है, तो ज़ूक एक इंडियन ब्रांड है, मटेरियल से बनाते हैं लोग, 100% वीगन है। तो अगर मैं इनकी क्वालिटी की बात करूँ तो इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा टॉप नॉच होती है। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं आप लोग वेबसाइट में साइट में चेकआउट कर सकते हो, इनके प्रोडक्ट्स काफी अमेजिंग होते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स आप लोगों को बहुत डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। इन लोगों ने फुटवेयर का भी नया लॉन्च कर रखा है, तो आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हो। बैग्स में तो आप लोगों को काफी ज्यादा कलेक्शन मिलने वाले हैं। एंड अब बात करते हैं बैग्स की डिटेलिंग की, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये लेदर आप लोगों को देख रहा होगा बहुत ज्यादा अच्छा, और यहाँ पे ज़ूक की ब्रांडिंग भी हो रखी है, और ये 100% वीगन मटेरियल से बनता है। और साइड में आप लोगों को यहाँ पे और यहाँ पे आप लोगों को प्रिंटेड डिजाइन दिख जाएगा, तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा क्लासी और सिंपल है, बट काफी ज्यादा एट द सेम टाइम काफी ज्यादा अच्छा है। और इसमें भी आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी लाइक स्टिचिंग वगैरह काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ हो रखी है, और काफी ज्यादा स्पेशियस भी है साथ के साथ ही, तो आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा। लोग इस बैग को कई तरीके से स्टाइल कर सकते हो, इंडियन एंड वेस्टर्न दोनों के साथ अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो आप लोग देख सकते हो। तो गाइस मैंने इस बैग का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो इनकी वेबसाइट। मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आप लोगों को 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, गो फॉर इट। और मैं आप लोगों को ये बैग हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि मुझे इसकी क्वालिटी टॉप नॉच लगी। तो भाई आप लोग यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हो, छोटे मोटे सारा सामान है, बहुत सारे। डोरेमोन किसको पसंद है भाई बता दो कमेंट में, बाकी बुक्स वगैरह नोवेल्स वगैरह भी। अभी हम लोग रानू लोगों का वेट करें, देन फिर हम लोग झूलेंगे, राइड्स लेंगे बहुत सारी। चक्कर आ रहे हैं मुझे झूला। मम्मी इधर देखो, ऐसे करो। ये भी है, मैंने ये क्या कहते हैं मसूरी में झूला था, मजे आए थे, पर अब मैंने पानी में झूला था ना, नीचे सही था, पूरा पुल टाइप का था, तब ज्यादा मजे आए थे। अभी लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए दोनों। तो भाई हमारे बीच रानू भी आ चुकी है, पीछे मतलब मौसी लोग भी आ चुके हैं, और अब हम फटाफट से झूलेंगे झूला।
जो बोल रहे हैं ना कि वो इसमें नहीं जाएगा, बेकार से नहीं उनकी फटेगी। हाँ तो तू रो गया था तो उस दिन, पर डर तो लगा था ना, सच बोलो ऑडियंस। हम इसमें और इसमें सोच रहे हैं लाइक जाने की, और अभी हमने सोचा कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बाद में बहुत भीड़ हो जाएगी। और यार डर भी लग रहा है क्योंकि ना इसमें एक केस हुआ था कि बच्चों लग गया था, कैशियर गायब हो गए भाई हमें धोखा दे के। आगे आगे जा रहे हैं, में कैशियर गायब। लोगों ने टिकट ले चुकी है यहाँ की 100 रुपीज पर पर्सन, हम चार जा रहे हैं और अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी चुप रहे यार, कह रहे पन्नी ले लेते हैं, उल्टी आ सकती है। चार चलो चलो, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। भाई डर लग रहा है। बाय बाय भाई, ये तो हमारे नहीं नहीं अभी हम इनके पीछे ही बैठेंगे गाइस। ये तो डरते ही नहीं है, तो मेरे को ज्यादा डर लगता है। वो लोग पता नहीं कहाँ से नहीं, आप देख सकते हो यहाँ से। अभी इसमें भी झूलेंगे अगर यहाँ से सही सलामत बचे तो। भाई मैं तो फोन अंदर रखती बैठ गई राहुल ने भी पकड़ रखा है भाई, अब छोड़ दिया वीडियो कैमरा ऑन होते ही छोड़ दिया भाई सबने। भाई आ गया, आपको वीडियो में पता चली गया होगा मेरी कितनी फटी थी। बाकी कोई नहीं डरा, राहुल और मैं ही डरते थे ऐसा लग रहा था सबसे ज्यादा। और ये लोग यहाँ पे माता श्री लोग हमारी वीडियो बना रहे हैं। तो भाई ये है अनीता बुआ और ये है मौसियाड़ मौसी। हाँ यार पहले कुछ खा लेते हैं। मौसी लोग कह रहे हैं हमारी वीडियो नहीं बना रही है, लोग झूले नहीं झूल रहे, मैं कैसे हो रहा हूँ इनके वीडियो। सब कुछ बोल रहे भले। गाइस हम खा रहे हैं बर्गर और ये लड़का हमसे पूछ रहा था पहले ये बताओ खाना कैसे है। मेरे को आता ये पूछ रही थी मेरे से। कितना झूठे देख रहे हो गाइस, कैमरा ऑन करते ही कैसे बदल जाते लोग। हाँ इसका तो अंदर ही नहीं निकला अभी तक, देखो कैसे नीचे झुक के खा रहा है। अरे यार तू मुंह में ले जा। और एक नीतीश कहाँ बैठा है, ये तो यही ये पीछे बैठ रखा है। बंद कर खा लेंगे ठंडा हो जाएगा। यम यम। गाइस हमने खा पी लिया, अब हम सोच रहे चले जाए क्योंकि यार कुछ मन नहीं कर रहा झूला झूलने का, मन खराब हो गया झूला झूल के। तो अभी हम शायद अंदर चले जाए। अभी ये देखो कितना सुंदर लग रहा है लाइटनिंग। आपके लिए गाइस, आपके लिए नहीं, ये सबके लिए नहीं है। मेरी पागल बनती। बस अब हम ऐसे ही रख देंगे इसको यहाँ पे, अच्छे काम कर रहे हैं ना हमने, अब देखना हमने ऐसे ही रख देंगे। गाइस ये मेला 25 फरवरी से लगा था और 31 मार्च तक है, तो किसी को भी आना है तो आ सकते हैं, अपने फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाकी यार पीछे से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ब्लॉग नहीं बना रहे। बाय। सस्ता पेरिस गाइस, तो भाई यहाँ पे देख लो लाइव हमें। भाई हम लोग आ चुके हैं और अब हम खाएंगे एक गोला। ये लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। सबको पता चल गया आप वीडियो बन रही है, सतर्क हो गए सबके सब। इसकी उल्टे काम देखे क्या कर रहे हैं नीतीश, एक्ट्रेस एक्ट्रेस एक्टर भी नहीं एक्ट्रेस है ये। नाउ इट्स गोला टाइम, क्योंकि मैंने अपनी पूरी शॉट खराब कर दी। मौसी लोग जा रहे हैं, ये भी मौसी ने याद दिलाया मुझे कि भाई ब्लॉग ब्लॉग में बोल टाटा। खड़े हो गए, बाय बाय बाय। हम लोग घर पे पहुंच चुके थे और मैं बता देती हूँ बेसिकली, वैसे मैंने वीडियो में बताया होगा कि ये मेला 25th फैब से और 31st मार्च तक लगने वाला है, तो किसी को भी अगर विजिट करना है कर लेना। एंट्री फीस 100 रुपीज़ है वीकडेज में और 150 रुपीज़ है वीकेंड में, तो आप लोग जाके विजिट कर सकते हो। बट मेरी सजेशन ये है कि वीकेंड्स में मत जाना क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, और जल्दी जाना लाइक 3-4-5 बजे तक चले जाना, अच्छे से आप लोग इंजॉय कर पाओगे। उसके बाद तो बहुत गंदी वाली भीड़ हो जाएगी, तो फैमिली के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, वहां जाके एंजॉय कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।